महापुरुषों की मूर्तियों की मरम्मत एवं रखरखाव न होने से नाराज हुए कांग्रेसी सीएमओ से की मुलाकात। नगरपालिका के अंतर्गत मुख्य चौराहों में स्थापित महापुरुषों की मूर्तियां मरम्मत एवं रखरखाव के अभाव में कुछ जगह से दरारें पड़ गई हैं, उनका कलर भी निकल गया है, जिसको लेकर वार्ड क्रमांक 2 इंदिराजी वार्ड के पार्षद अनिल दुबे ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी को 23 जनवरी को आवेदन दिया था। मांग की गई थी कि जल्द से जल्द महापुरुषों की मूर्तियों की मरम्मत एवं कलर करवाई जाए, साथ ही माह में एक बार मूर्तियों को धुलवाने एवं रोजाना सफाई कराने के भी आदेश दिए जाएं। लेकिन महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर ही उनकी प्रतिमा की सफाई नहीं कराई गई। जब कांग्रेसी श्रद्धांजलि अर्पित करने नगर में स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा के समक्ष गए तो प्रतिमा में धूल जमी हुई थी, आसपास झाड़ू भी नहीं लगी थी। कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा स्थल पर प्रतिमा की सफाई की, इसके बाद श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नाराज कांग्रेसियों ने जिला अध्यक्ष के साथ नगर पालिका कार्यालय पहुंचे और सीएमओ से मुलाकात कर नाराजगी जाहिर की। थोड़ा बताइए। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आज पूरा देश पूज्य बापू महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि मना रहा है, उसमें शासकीय आयोजन किए जा रहे हैं, मौन धारण किया जा रहा है, शासन प्रशासन हुंकार बजा करके संकेत दे करके मौन धारण कर रहा है, सारा देश उनको आज नमन कर रहा है। और इस स्थिति में जब आज हम जिला कांग्रेस कमेटी के लोग ऐतिहासिक गांधी मैदान, जहां पर गांधी जी का आगमन हुआ था, उनका स्मारक बना हुआ है, उस स्मारक में जब हम वहां पर पहुंचे तो हमने देखा कि चारों तरफ गंदगी व्याप्त है, प्रतिमा पर धूल लदी हुई है, पूरा जो उनका जो स्मारक है, स्टैचू है, मंच बना हुआ है, सारा कुछ गंदगी से सराबोर है। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि एक ओर हम सिर्फ दिखावा करते हैं और आज नगर पालिका ने अपना ये भी कर्तव्य नहीं समझा कि जो कि ये पुरानी परंपरा रही है कि नगर पालिका उसका रखरखाव करती है, साफ़ सफाई करती है, 2 अक्टूबर और 30 जनवरी के पहले साज सज्जा होती है, उस चीज़ों से पता नहीं क्यों नगर पालिका ने अपना मुंह मोड़ लिया। जब हम वहाँ पहुँचे, वहाँ की स्थिति देखे तो बड़ा मन में पीड़ा हुई हमारे, और हमारे सारे लोगों ने आज वहाँ पर श्रमदान किया, खुद प्रतिमा की सफाई करी, खुद वहाँ पर झाड़ू लगाई और इसके बाद हमने पूज्य बापू की वहाँ पर पुण्यतिथि मनाई। इसी बात को लेकर के हमारे लोगों में, हमारे कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश था, उस आक्रोश को हम यहाँ प्रदर्शित करने आए थे और सीएमओ साहब को इस बात के लिए कहा है। तो किस आखिर ये क्या वजह है कि आपने ऐसा किया? क्या इसके पीछे कोई दबाव था या किसी ने ऐसा आपको करने के लिए कहा था? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे द्वारा तो निर्देश जारी कर दिए गए थे। यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि 24 तारीख को ही हमारे कांग्रेस पक्ष के पार्षद ने और सीएमओ साहब को लिखित में इस बात की सूचना दी कि वहाँ पर साफ़ सफाई रंग रोगन किया जाए, क्योंकि 30 तारीख को हमारा कार्यक्रम भी है, 26 जनवरी को वहाँ पर हम झंडा भी फहराते हैं। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और पीड़ादायक है कि वहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। इस बात को लेकर के हमारे सारे साथी बड़े आक्रोशित हैं और आकर हमने वहाँ पर अल्टीमेटम दिया है कि आगे अगर इस तरह की परिणति होती है और जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, और आगे अगर ऐसा कुछ दोबारा होता है तो इसके लिए गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं।